अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इंसर्ट के बारे में बताएंगे। ये वीडियो एमएस वर्ड का पार्ट 7 है। इस वीडियो में हम जानेंगे टेबल टूल और टेबल टूल को यूज कैसे करेंगे, ड्रॉ कैसे करेंगे, इरेज कैसे करेंगे, टेबल के अंदर लाइन का कलर कैसे करेंगे, यानी इन सब के बारे में, पूरे एक्सप्लेन के बारे में हम बताएँगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे और यहाँ सर्च बार पे यहाँ पे लिखेंगे विन वर्ड। उसके बाद हम विन वर्ड खोल लेंगे। हम यहाँ चले जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे टेबल के अंदर। टेबल में हमें देखने को मिल रहा है टेबल, ठीक है, इस तरीके से टेबल। अगर इंसर्ट करना है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है वो है ये इंसर्ट टेबल। इससे क्या होगा, अगर आप कितना इसमें कह रहा है, कॉलम कितना चाहिए, रो कितना चाहिए, तो हमें यहाँ पे कॉलम लिख देते हैं 4, रो लिख देते हैं 2 और एंटर कर देते हैं। ये देखिए 4 कॉलम दे दिया और 2 रो दे दिया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। बैक करते हैं इसको, कंट्रोल जेड से कर लीजिए या यहाँ से क्लिक कर दीजिए। उसके बाद है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से हम ड्रॉ करके बना सकते हैं। जैसे हमें इतना बड़ा टेबल बनाना है, इतना बड़ा बना लीजिए, इसके बीच में लाइन खींचना है, यहाँ से खींच लीजिए, ठीक है। इसके अंदर इस तरीके से लाइन खींचना है तो यहाँ से क्लिक करके इधर खींच लीजिए। इस तरीके से भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको मिटाना है, जैसे मान लीजिए आपको ये टेबल मिटाना है या ये वाला मिटाना है, कोई भी लाइन मिटाना है, तो आप इसके अंदर क्लिक कीजिए। पहले जब यहाँ पर क्लिक रहेगा तो इस तरीके से ब्लिंक करेगा, यहाँ देखिए। उसके बाद आप चले जाइए यहाँ पर टेबल टूल पर। टेबल टूल पर जाने के बाद आप यहाँ चले जाइए ड्रॉ बॉर्डर पर। यहाँ पे इरेजर देखने को मिल रहा है, यहाँ क्लिक कीजिए। जिस भी लाइन को हटानी है इस तरीके से आप हटा सकते हो, जिस भी लाइन को हटानी है इस तरीके से हटा सकते हो। लगानी है तो आप यहाँ जाइए पेंसिल, यहाँ से क्लिक करके इधर जहाँ लाइन लगानी है, जिस तरीके से लगानी है, जैसा भी लाइन लगानी है, जिसमें भी लगानी है लगा सकते हो इरेजर, यहाँ से इरेज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है पेन कलर। पेन कलर से हम कलर कर सकते हैं। जैसे हमें ये कलर से लाइन खींचनी है, ये कलर ले लो, जो भी कलर से आपने खींचनी है ये कलर ले लो, अब पेंसिल ले लो, अब खींचोगे तो क्या होगा, उस कलर से होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कलर कर सकते हैं, कोई भी कलर हम कर सकते हैं, जो भी कलर आपको सही लगे उस कलर से आप लाइन खींच सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है यहाँ पे ये है लाइन की वेट। जैसे मोटा पतला यहाँ से हम कर सकते हैं, मोटा करना है मोटा खींच लो, ठीक है, पतला करना है पतला कर दो, वो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो तो यहाँ से हम पतला रख लेते हैं, ठीक है, पतला रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाइन की स्टाइल, स्टाइल है लाइन की स्टाइल, किस तरीके से आपके स्टाइल किस तरीके से करना चाहते हैं। जैसे मेरे को ये चाहिए, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्टाइल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम नॉर्मल रखेंगे, नॉर्मल, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद है शेडो। शेडो से क्या होता है, जैसे कि हमें इस बॉक्स के अंदर कलर करना है, जिस बॉक्स में आप हाजिर रहोगे उस बॉक्स को कलर करना है, तो यहाँ जाइए शेडो, ये देखिए कलर कर दी, उस बॉक्स को आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, हटाना है तो यहीं पे जाइए और नो कर दीजिए, नो कलर। उसके बाद है बॉर्डर। बॉर्डर से बॉर्डर लगता है, जो कि हम होम के अंदर बताए थे आपको, यहाँ पर पिछले वीडियो में है, आप देख लीजिए होम के अंदर, यहाँ पर वही चीज़ है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आ रहा है। उसके बाद है ये सब, तो इसका काम हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम खुद अपने, हम खुद ही बॉर्डर बना लेते हैं, ड्रॉ करके बना लेते हैं। तो ये सब यहाँ से हम यूज करेंगे तो यही बॉर्डर ही बनेगा, इसी तरीके से बनेगा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद से बनाइए और खुद से अपने अपने हिसाब से जितना साइज रखना चाहते हैं बना सकते हैं, ठीक है। तो आप यूज करने के लिए इतना चीज़ को यूज कीजिए। लेआउट, लेआउट के अंदर है, जैसे जैसे हमने यहाँ पर कोई वर्ड लिखा है, ठीक है, जैसे हमने 786 लिखा है, अब ये क्या है, इधर है या यहाँ है, इस तरीके से रखना है इस तरीके से रखिए, इधर भेजना है इधर भेजिए, ठीक है, बीच में करना है बीच में कर लीजिए, जहाँ करना है वो साइज बता रहा है, ठीक है। ये रोटेट करने के लिए होता है, ठीक है, रोटेट करने के लिए यहाँ यूज कीजिए, ये इसमें है, देख लीजिए, ठीक है। शॉर्ट के अंदर हम शॉर्ट बाई कर सकते हैं, जैसे ABCD लिखा हो, ठीक है, तो आप ABCD के अनुसार साइज वाइज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 1, 3, 2, 5 ऐसे लिखा और इसको सेट करना है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ चले जाइए, बस ओके कर दीजिए। अब ये 1, 2, 3, 4 कर दिए, ठीक है, ये होता है, ये हो गया। इससे हम
मर्ज कर सकते हैं, जैसे हमें ऊपर से लिखना है, नीचे से लिखना है, जैसे दो, ठीक है। अब ये साइज कर दिया, मर्ज कर दिया इसको, ठीक है। तो इसका काम हम नहीं करेंगे, इसको जीरो ही रखते हैं, ठीक है। इसमें हम इतना यूज करते हैं, ये सब यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इन सब का ज़रूरत पड़ता है या इन सब का पड़ता है, इसका पड़ता है बस, ज़्यादा नहीं पड़ता है। ये टेबल टूल के अंदर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, बाहर क्लिक करेंगे, इधर इधर बाहर क्लिक करोगे, यहाँ टेबल टूल गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ तक हो गया था। उसके बाद है ये, इससे क्या होगा, एक्सेल की सीट खुल जाएगी यहीं पे, देखिए एक्सेल का कॉलम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बैक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है ये, इससे है जैसे कि आपको कैलेंडर बनानी है तो इस तरीके से, जिस तरीके से भी बनानी है, ठीक है, इस तरीके से आप, आपको देगा ये बना बनाया, इसके अंदर आप एडिट कर सकते हो। जैसे इसके अंदर आपको एडिट करना है, जून का डालना है, जो भी डालना है, यहाँ पे आप तैयार कर सकते हो अपना कैलेंडर, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल का यूज कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, इन सब के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा से समझ आई हो। धन्यवाद।